सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सचिन मिश्रा के संयोजन में कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। पुतला दहन करते हुए भाजपा महामंत्री वरुण केसरवानी एवं मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाया गया है, जिसे किसी भी कीमत पर हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग करता हूं, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल अपनी पार्टी से निष्कासित करे और हिंदू समाज से माफी मांगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने हिंदुओं की आस्था का केंद्र रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और उस विवादित का हम लोगों ने विरोध करते हुए और मांग करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कि उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाले और स्वयं भी माफी मांगे और हिंदुओं से भी माफी मांगे। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सुभाष चौराहे पर उनका पुतला दहन करके ये हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। इस अवसर पर शशांक शेखर सिंह, अमन केसरवानी, विकल्प श्रीवास्तव, शुभम बाला, सिद्धार्थ पांडे, अनिकेत गोस्वामी, मोनू सोनकर, विजय सिंह, आयुष पांडे, आदर्श सोनकर, प्रशांत कुमार, संदीप चौहान, दिनेश विश्वकर्मा, शिखा खन्ना, धीरज केसरवानी, लवकुश केसरवानी, सुनील केसरवानी, शिवम मिश्रा, पिंटू दुबे आदि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। मुर्दाबाद।